यहाँ खेत में फसल लहलहाए सम्मान से किसान भी मुस्काए यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए विकास की प्रवाह में मनहर साए शिक्षा है रोजगार है विकास की प्यार है सड़क है अस्पताल है चाहे खुशियों की बहार है बिना संगीत के ही थिरके के है पास स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा किसान भाई बहनों जो हाँ गाँव गिराव कार्यक्रम में आपका स्वागत है मैं हूं किशन अग्रवाल किसान भाई बहनों आप कृषि कार्य करते हैं आप फसलों की खेती करते हैं अनाज की खेती करते हैं उसमें बीमारी और कीट लगता है आप पशुपालन करते हैं आप बकरी पालन करते हैं मुर्गी पालन करते हैं सुकर पालन करते हैं उसमें भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाया करती हैं इससे आपको काफ़ी नुकसान होता है तो आइए आज हम आपको बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी करवाते हैं बर्ड फ्लू होने के कारण इसके लक्षण और इसके नियंत्रण या रोकथाम के बारे में आपको हम जानकारी करवाने जा रहे हैं जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं गांव गिराव कार्यक्रम के सभी पशुपालक बंधुओं को मेरा जोहार डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी आपको हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब जैसा कि पिछले यदि दो तीन महीनों में देखा जाए पूरे झारखंड में बर्ड फ्लू का एक प्रकोप सब चारों तरफ फैला हुआ था और इससे कहा जा सकता है कि जो हमारे पशुपालक हैं मुर्गी पालक हैं या जो फिर उसको बेचने वाले लोग हैं इस तरह की बीमारी अचानक हो जाने से जिनके यहाँ मुर्गी पालक हैं उनको लाखों का नुकसान जो हजारों में लाकर बेचते हैं बाजार में उनको भी नुकसान तो ये आखिर ये बताइए कि ये बर्ड फ्लू है क्या बर्ड फ्लू एक विषाणु जनित रोग है जो आमतौर पर जंगली पक्षियों मुर्गी की प्रजातियाँ सारी प्रजातियाँ इसमें शामिल हैं प्रवासी पक्षियों इसमें आमतौर पर पाया जाता है आ, कालांतर में सैद्धांतिक रूप से और वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर डर बर्ड फ्लू से इसलिए मनुष्यों में है क्योंकि अब ये बात प्रमाणिक हो गई है कि पक्षियों से संक्रमण मनुष्यों में होने का खतरा बरकरार रहता है जी जी तो समाज में जो ये आशंका जब भी कोई बर्ड फ्लू सरकार डिक्लेयर करती है कि ये फला एरिया या रांची या बोकारो झारखंड के जिले हमारे बर्ड फ्लू से ग्रसित हैं तो लोगों में ये भय भय की भावना होती है कि लोगों में भय इस बात पे नहीं होती है कि हमारा इतना मुर्गी का कलिंग हो जाएगा उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा या अंडे को नष्ट कर दिया जाएगा लोगों में भय इस बात की होती है कि कहीं ये संक्रमण हमारे तक तो नहीं पहुँचे इंसान तक नहीं चला जी, जी, जी। जी। तो उसकी जागरूकता बहुत जरूरी है और अभी अभी हम लोगों ने देखा रांची में दो स्पॉट पे पहला तो एक झारखंड सरकार द्वारा जो फॉर्म है सरकारी फॉर्म होटवार में वहाँ सबसे पहले ये आउटब्रेक डिक्लेयर्ड हुआ अच्छा अच्छा वहां पे क्या था कि मुर्गियाँ मर रही थी मुर्गियों के मरने की संख्या बहुत कम थी अच्छा। दो तीन पाँच अच्छा तो अच्छा। मुर्गियाँ जब जांच के लिए हमारे रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में आई तो उसकी एक प्रक्रिया होती है जैसे बोलते हैं ना मृत परीक्षण जो मरी हुई मुर्गियाँ थी उसका पोस्टमार्टम किया गया तो बर्ड फ्लू में जो लाक्षणिक आधार पे होता है जैसे बर्ड फ्लू से अगर मुर्गियाँ मरी हैं तो आप देखेंगे कि उसका कलगी और उसकी टांगे अच्छा वो नीले रंग की हो जाएंगी बट ये जो मुर्गियाँ मरी हमारे फॉर्म से जो कॉलेज में आई पोस्टमार्टम के लिए तो वो टीम में हमने भी देखा कि वैसा कोई लक्षण उसमें था नहीं और मुर्गियों की मरने की संख्या दो चार पाँच केवल दो दिन मुर्गियों की संख्या मरने की थी दो डिजिट में पचास तीस बीस उसके बाद वो मरने का दर बढ़ने लगा कम होता गया और धीरे धीरे मुर्गियाँ मरना बंद हो गई अच्छा अच्छा ये एपिसोड वहाँ चला लोगों को डर लगा कि ये क्या हो रहा है कहीं जीवाणु से तो नहीं मर रही है जीवाणु का सारा टेस्ट परीक्षण हम लोगों ने कॉलेज में किया उसमें एक बहुत छोटा सा जीवाणु डायग्नोस्ड हुआ सालमोनेला जिसको बोलते हैं जी जी तो सालमोनीला में भी थोड़ी बहुत मुर्गियाँ मरती हैं बट उस मरे हुए ब्लड मुर्गी की सैंपल को जब हम लोगों ने आर कोलकाता भेजा उन लोगों ने प्रारंभिक स्तर पे ये कंफर्म किया कि बर्ड फ्लू है अच्छा अच्छा तो भारत सरकार द्वारा एक ही संस्थान उसके लिए चिन्हित है जो बर्ड फ्लू का परीक्षण कर सकता हुँ, है हुँ, वो है भोपाल में निषाद अच्छा, है वहाँ सैंपल गया उन लोगों ने पॉजिटिव किया उन्होंने भारत सरकार को मैसेज किया भारत सरकार ने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को इंगित किया एक प्रोटोकॉल है आप और हम सिस्टम है आप और हम कभी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर जगह पे बर्ड फ्लू है सरकार और उस विभाग के द्वारा ही हाँ इसको वो डिक्लेयर और उसमें है कि चीफ सेक्रेटरी के रैंक के नीचे या सचिव के रैंक के नीचे कोई भी पर्सन इसको डिक्लेयर नहीं कर सकता बिल्कुल सही कहा तो जब एक बार डिक्लेयर हो गया तो कुछ प्रोटोकॉल हैं आपको कॉलिंग करनी और दूसरा एपिसोड हमारा हुआ यहाँ पे मोराबादी में एक दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ भी अमूमन यही था मरने का दर और सारा कहानी जो हमारे फॉर्म में थी सरकारी फॉर्म में वो भी दिव्यांग में थी और दिव्यांग में भी ये बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाया आ, गया। मिशन में बत्तख के जो अंडे थे उसको वो भी नष्ट किया गया तो लगभग इससे क्षति क्या होती है कि जो फॉर्म हमारा चल रहा है अच्छे स्टॉक में चल रहा है अचानक से वो जीरो हो जाता हो गया जी बट एक इसमें सही चीज़ क्या है कि अगर आप मनुष्यों में संक्रमण को रोकना चाहते हैं तो फिर इसको नज़रअंदाज करना पड़ेगा डॉक्टर साहब अभी आपने बर्ड फ्लू क्या है इसके बारे में बताया जी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जाड़े के मौसम में लाखों की संख्या में साइबेरियन डक जो कि झारखंड आते हैं अलग अलग डैमों में देखा जा सकता है और ये बताना और कहना मुश्किल है कि ये साइबेरियन डक संक्रमित है या नहीं और अमुमन इस तरह के पक्षियों में कुछ ना कुछ तो जैसा कि आपने संक्रमित जो पक्षी होते हैं जी। वो अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर बीमारी छोड़ जाते हैं और नतीजा ये होता है कि अब जैसे तालाब में बतख रहता है मछली रहती है और या धरती पर मुर्गियाँ हैं उसमें उसका जो अवशेष है वो आ जाता है इसके कारण ये बर्ड फ्लू होने के बहुत बड़े कारण समझे जा सकते हैं डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी अब आप हमारे किसान भाई बहनों को मुर्गी पालकों को ये बताइए कि बर्ड फ्लू फैलता कैसे है अभी जो आपने साइबेरियन पक्षी का जिक्र किया इसमें मैं ये चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे झारखंड में और केरला में जैसे ये बर्ड फ्लू कुछ ही राज्यों में बार बार हो रहा है अगर आप इसके पीछे कारणों के पीछे जाएंगे देखना तो, बहुत जरूरी है तो हाँ। केरला राज्य तो जली वो वहाँ पे जल के अटूक स्रोत है। प्लस हमारे झारखंड की संरचना क्या है कि छोटे मोटे तालाब डैम ये भी विविधता है झारखंड तो यहाँ भी वो प्रवासी पक्षी आते हैं प्रवासी पक्षी जो होते हैं अमूमन संक्रमण लेके ही रहते हैं बट उसके में क्या होता है जैसे बोलते हैं ना कैरियर हम कोई संक्रमण अपने बॉडी में लिए हुए हैं बट हम उससे बीमार नहीं हैं बट हम दूसरे, दूसरे के लिए संक्रमण का एक बहुत बड़ा माध्यम है तो प्रवासी पक्षियों का जो संक्रमण है वो मल मूत्र या आंखों के रिसाव से पानी में आया जो हमारे घरेलू बत्तख है तो मुख्यतः तो वो पानी में ही रहते हैं वो वहाँ से आया तो प्रवासी पक्षी और बत्तख ये इसके बहुत बड़े कैरियर हैं तो वहाँ से क्या इस बीमारी है? को फैलाने के इस ही? बीमारी को फैलाने के सबसे बड़े कारक है वो हाँ, हाँ. तो उनके संक्रमण से इधर वो उनके मल मूत्र या आँखों के रिसाव या मरे हुए जो पक्षी हैं वो दूसरे बर्ड से दूसरे बर्ड को संक्रमण होने का खतरा बना रहता है डॉक्टर साहब यदि सच कहा जाए तो बर्ड फ्लू होने के बाद कम संख्या से धीरे धीरे ये अधिक संख्या में होता जाता है घटता जाता है और इधर दो तीन महीने में देखा गया कि अचानक सरकार के द्वारा यह डिक्लेयर भी किया गया लेकिन बाजारों में इसकी बिक्री धड़ल्ले से हो रही थी तो ये मेरा कहना है कि फार्म हाउस से बेचने वाले को भी और जो सड़क पर बेचते हैं दुकान लगा करके या दुकानों में बेचते हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बर्ड फ्लू है हमें ना वहाँ से बेचना चाहिए ना यहाँ से बेचना चाहिए ना खरीदना चाहिए लेकिन धड़ल्ले से लोग फिर भी इसका जाने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं ये बड़ी अफसोस की बात है ये जागरूकता लोगों में होनी चाहिए अरे ठीक है इस तरह की बीमारी हो गई तो पाँच दिन सात दिन मत खाओ कोई ऐसा तो नहीं इसके बिना कुछ हर्जा हो जाएगा ये बड़ी मुसीबत वाली बात हो जाती है बेचने वाला ख़रीदने वाला सारे लोग एक ही जैसा काम करते हैं डॉक्टर साहब बर्ड फ्लू की जब बात चल रही है तो बर्ड फ्लू इस बीमारी का लक्षण क्या है बर्ड फ्लू का मुर्गियों में अगर आप लक्षण देखें तो बर्ड फ्लू अगर बर्ड फ्लू मुख्यतः तो दो तरह के होते हैं एक तो कम रोगजनक वाला बर्ड फ्लू जिसको हाँ। बोलते हैं लो पैथोजेनिक एक होता है हाई पैथोजेनिक अधिक तीव्रता वाला तो सामान्यतः अधिक तीव्रता वाला बर्ड फ्लू मोस्टली पाया जाता है जिसमें कि मुर्गियाँ अचानक से मर जाएंगी मरने मृत्यु दर प्रतिशत बहुत ज़्यादा होगा दूसरा मुर्गियों की कलगी और टांगे उनमें नीलापन आ जाएगा आँख गर्दन और सिर के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें सूजन हो जाएगा और आँखों से रिसाव होगा मुर्गियों के पंख अचानक से झड़ने लगेंगे मुर्गियों को अंडा देने की जो क्षमता है वो आधे से भी कम हो जाएगी तो इन लक्षणों के आधार पे आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि शायद मेरे फॉर्म में बर्ड फ्लू का आउटब्रेक है अच्छा अच्छा लक्षण के आधार पे आप प्रमाणिक नहीं कर सकते कि बर्ड फ्लू है हाँ, हाँ। तो फिर उसका एक प्रोटोकॉल है कि आपको सैंपल्स भेजने हैं जैसे कोई भी बीमारी का अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद ये बीमारी हो सकती है तो जाँच तो एक बहुत बड़ी बात ये भी है जो लक्षण है अधिक थोड़ी सी बीमारी किसी को हो जाती है तो खाना पीना छोड़ देता मेरे साथ कुछ गड़बड़ी है तो सबसे पहले तो हम खाना पीना कम खाएंगे बिल्कुल और सुस्त हो जाएंगे ये दिखाता है कि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हुआ है तो इस छोटे मोटे लक्षणों पे आप किसी बीमारी के तहत नहीं पहुंच सकते कि ये शायद बर्ड फ्लू है उसके लिए आपको सैंपल्स ही भेजने हैं सैंपल्स में मेनली जैसे कोरोना में क्या था यहाँ से गर्दन से सैंपल लिया गया तो तो उसी तरह पक्षियों में भी गर्दन का सैंपल लेते हैं पैखाने के द्वार का सैंपल लेते हैं स्वैब जिसको बोलते हैं और ब्लड सैंपल लेते हैं ये तीन चीज़ लेके और जो इंगित लैब हैं वहाँ भेजना पड़ता है या तो आप मरी हुई मुर्गियों को ही आइस पैक में रखे हुए बढ़िया से कोल्ड चेन में करके आप उसको भेज सकते हैं जी तो वहाँ पे मोलिकुलर टेस्ट से ये कन्फर्म हो जाएगा कि बर्ड फ्लू है डॉक्टर साहब एक बात बताना बहुत ज़रूरी है हम लोग किसी भी गंभीर समस्या पर विषय पर चर्चा करते हैं लेकिन साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि आज का जो परिपेक्ष है पर्यावरण प्रदूषण क्लाइमेट चेंज तो इसका असर भी चाहे वो मनुष्य हो जानवर हो पक्षी हो उस पर पड़ता है क्योंकि हर तीन महीने चार महीने में जो ये मौसम परिवर्तन होता है जाड़ा गर्मी बरसात का जब तक उस मौसम में आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं तब तक मौसम परिवर्तन हो जाता है अभी जैसे देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है लोग गर्मी से परेशान हैं अब अचानक आप देखिएगा मानसून आ जाएगा वर्षा होगी फिर वर्षा से लोगों को काफ़ी परेशानी होगी चाहे वो इंसान हो पशु पक्षी हो लोग बीमार पड़ेंगे तो अब आप ये बताइए कि मनुष्यों के लिए इस बीमारी से संक्रमित होने के जोखिम क्या हैं? बर्ड फ्लू से डर इसी बात का लगता है बर्ड फ्लू अगर पक्षियों तक तो सीमित है तो पक्षी आप जानते हैं कि हाँ। पक्षी का हम लोग फार्मिंग किस लिए करते हैं मिलनी तो जो भी नॉन वेजिटेरियन है या अंडे के रूप में या मांस के रूप में सेवन करने के लिए पक्षियों का फार्मिंग होता है लेकिन अगर वो संक्रमण हमारे मनुष्यों तक पहुंचने का जोखिम रहता है तो ये जोखिम और ये सोच और ये डर कहीं कई गुना ज़्यादा हो जाता है और इस बात के प्रमाण हैं कि मनुष्यों में इसका संक्रमण प्रमाणिक तौर पे पाया गया है और रिस्क हमेशा बना रहता है जैसे जो फॉर्म में काम करने वाले लोग हैं अगर बर्ड फ्लू वाले फार्म में काम कर रहे हैं तो उनको तो एहतियातन मास्क ग्लव्स एकदम साफ सफाई और प्लस क्या है रूटीन उनको अपना सैंपल्स देना है क्वारंटाइन होना जैसे कोरोना में जो संक्रमण का खतरा था कि आ, हम मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो अपने आप को आइसोलेट कर ले तो जो बर्ड फ्लू में जैसे अभी एपिसोड रांची में क्या हुआ जो लोग कलिंग में इन्वॉल्व थे जिन्होंने मुर्गियों को मारा जिन्होंने अंडों को मारा जो कर्मी लगे हुए थे उनको चौदह दिन के लिए एहतियातन क्वारंटाइन किया गया उनका भी सैंपल्स रिम्स में गया और लकली वो सारे के सारे नेगेटिव थे बट वो आइसोलेट हुए और क्वारंटाइन हुए ताकि वो दूसरों को संक्रमण नहीं पहुंचा बिल्कुल इसमें सावधानी तो बरतना ही सावधानी की आपने हजारों मुर्गियों को नष्ट तो किया बर्ड फ्लू से प्रभावित थे उसको आपने नष्ट किया उनको आपने नष्ट किया।, किया और किसी न किसी रूप में ये तो जो वातावरण है सारे जीवाणु विषाणु तो इसी में तैरते रहते हैं और इसी के माध्यम से ये चारों तरफ फैलते हैं कोई इसके लिए स्पेशल दूसरी व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी जी अब आप हमारे किसान भाई बहनों को मुर्गी पालकों को ये बताइए कि बर्ड फ्लू के मुख्य प्रकार क्या हैं बर्ड फ्लू के दो मुख्य प्रकार हैं एक तो कम रोग जनित और एक अधिक तीव्र रोग जनित तो दोनों के वर्गीकरण का आधार ये है कि अगर मुर्गियाँ सेवेंटी फाइव पचहत्तर प्रतिशत से मुर्गियाँ अचानक से मर गई तो ये आ जाएगा अधिक रोग जनित में और अगर मृत्यु दर कम है पचहत्तर प्रतिशत तो वो, वो कम रोग जनित में आता अच्छाँगा। है अच्छाँगा। कम रोग जनित में आपको जो मैंने लक्षण बताया बर्ड फ्लू के वो हो सकता है आपको नहीं मिले जबकि तीव्र रोगजनित जो अत्यधिक जो रोग जनित जो है हाई, हाईली पैथोजेनिक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में उसमें आपको लगभग सारे लक्षण मिलेंगे अच्छा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं बिल्कुल दो प्रकार के होते हैं और इसी से जो मुर्गी पाक उनको समझ लेना चाहिए कि उनकी मुर्गियों में बर्ड फ्लू है आपके फॉर्म में अगर किसी के फॉर्म में मुर्गियों की मरने की प्रतिशत अचानक से तीव्र हो जाए बढ़ जाए बढ़ एक एका एक एक का दुका दो मुर्गियां ऐसे भी ठंड से गर्मी से किसी ना किसी कारण से है, मरती है लेकिन है। अगर ये दर अचानक से बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं आप अलार्मिंग सिचुएशन है आप इसकी जाँच कराएं या विशेषज्ञ को बुलाए तो डॉक्टर साहब झारखंड के परिपेक्ष में राज्य में इसकी क्या प्रासंगिकता है झारखंड राज्य के बारे में और केरल राज्य के बारे में मैंने अभी बताया कि ये क्या है हमारे यहाँ जो भौगोलिक संरचना है वो नदियों से तालाबों से डैम से घिरा हुआ है तो अब अगर आप, आप रिसेंट आउटब्रेक जो अभी हाल में हमारे यहाँ आउटब्रेक हैं इस पर अगर गौर करें तो ये दोनों तो अभी के फिलहाल अभी के हैं रांची का होटवार और दिव्यान 2024 का है अप्रैल अगर आप पिछले साल पे थोड़ा गौर करें तो मेरा बोकारो था बोकारो का भी गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म यही महीना था अप्रैल मार्च लास्ट और अप्रैल और जेल मोर रांची अगर आपको याद हो तो जेल मोर रांची में भी आउटब्रेक हुआ था तो ये अगर दोनों साल के आउटब्रेक पर अगर आप गौर करें तो सीज़न भी वही है पोस्ट विंटर और प्री मानसून ये जो पीरियड है विंटर खत्म हुआ मानसून आने वाला है तो बीच का जो उमस वाला जो महीना है यही वो पीरियड था और हमारे भौगोलिक संरचना के आधार पे और अगर आप बीमारियों का पीछे बैक ट्रेस करें महीना कौन सा था दर क्या है मरने का बोकारो में भी मृत्यु दर ज़्यादा नहीं थी जेल मोड़ में भी बहुत कम थी होटवार में भी कम है यहाँ दिव्यांग में भी कम है तो बर्ड फ्लू अगर आप इस सैंपल को नहीं भेजते मृत्यु दर को देखते हुए कि दो चार मुर्गियाँ मर रही हैं मुर्गियाँ मरना फिर बाद में बंद भी हो जाती हैं अचानक हाँ, देखा जाता है कि बर्ड फ्लू बढ़ गया फिर समाप्त हो गया जी, यही यही और तो फिर बिकने भी लगा अगर अगर आप इसके मोटेलिटी परसेंट जिसको बोलते हैं मृत्यु दर का प्रतिशत पढ़ें एक टेबल बना लें डेट वाइज मैंने तो दोनों जगह बड़ा नज़दीक से देखा है और मेरा मकसद था कि ज्यादा ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए तो पाँचवें या छठे दिन केवल मुर्गियों की मरने की संख्या दो डिजिट में है दैट मीन्स दस बीस तीस उसके अलावा आठवें दिन से बस चार पाँच सौ सात और उसके जैसे आप पंद्रह दिन के आसपास आते हैं दो सप्ताह मुर्गियों मरने की संख्या अचानक खत्म हो जाती है तो डॉक्टर साहब कैसे ये समझ में आएगा कैसे जानेंगे कि बर्ड फ्लू समाप्त हो गया या ठीक हो गया बर्ड फ्लू समाप्त होने की भी एक सरकार द्वारा घोषणा होती है अच्छा अच्छा जैसे यहाँ हमारे रांची में होटवार और दिव्यान में जो आउटब्रेक हुआ सरकार ने उसको डिक्लेयर किया ठीक है कि ये जोन हमारा बर्ड फ्लू आउटब्रेक था तो अब से लेके वो तत्काल तो एक, एक किलोमीटर की परिधि के जितने भी अंडे जितने भी चूजे जितने भी पक्षियाँ हैं सबको मारा जाएगा जी। दस किलोमीटर परिधि होटवार से लेके दस किलोमीटर की परिधि जी जी उस एरिया में सघन परीक्षण सर्वेलेंस जिसको बोलते हैं उसमें क्या होगा जो भी मुर्गियाँ मारा नहीं जाएगा मुर्गियों का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा उसको लैब भेजा जाएगा और ये परिपाटी चलती रहेगी तीन चार महीने तक अगर इस तीन चार महीने में कोई दोबारा कोई कहीं से पॉजिटिव नहीं आता है तो भारत सरकार ही इसको डिक्लेयर करेगी कि अब हमारा रांची जो, जो जोन है जो स्पॉट है वो बर्ड फ्लू बर्ड फ्लू से हो मुक्त हो गया मुक्त हो गया, हो गया तो आप व्यापार कर सकते हैं अब इसकी जांच कैसे की जाए इसके बारे में थोड़ा सा बताइए देखिए जांच के बारे में भारत सरकार के प्रोटोकॉल के तहत बहुत सारे लैब नहीं कर सकते अच्छा हम लोग रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में भी अगर हमको वो इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध भी करा दिया जाए तो हम उसके बारे में जांच नहीं कर सकते हैं भारत सरकार ने कुछ ही इंस्टीट्यूट को इसके लिए ऑथराइज़ किया है सारे जगह से सैंपल वहीं जाएंगे और वही लोग रिपोर्ट देंगे वो डायरेक्टली भारत सरकार को देंगे भारत सरकार फिर राज्य सरकार को देगी राज्य सरकार निदेशक पशुपालन विभाग को देगा और अल्टीमेटली हमारे जो जिला पशुपालन स्तर के पदाधिकारी हैं उन तक यह आएगा उनकी देख में एक कंट्रोल सेंटर बनेगा रैपिड रिस्पॉन्स टीम जिसको उसमें कलिंग टीम भी रहती है मुर्गियों को मारना है उसको डिस्पोज करना है जे सी बी से गड्ढा खोदना ये सारे एक्शन प्लान है सिस्टम से होना चाहिए ये एक्शन प्लान भारत सरकार द्वारा चिन्हित है लिखित में है और आप हू बहू उसको फॉलो करना है डॉक्टर साहब बर्ड फ्लू की बात चल रही है जी तो अभी तक तो हम लोग मुर्गियों के बारे में बात कर रहे हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो बत्तख के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन आप ये बताइए जो पक्षी उड़ने वाले हैं जैसे चिड़िया है कबूतर है कौआ है मैना है तोता है बगुला है तो इन पक्षियों में भी क्या ये बर्ड फ्लू हो सकता है क्या बिल्कुल हो सकता है मैंने बताया बर्ड फ्लू जलीय पक्षी देन हमारे जो पालतू पक्षी हैं बत्तख प्रवासी पक्षी उड़ने वाले पक्षी ये सारे पक्षियों में हो सकता है यहाँ तक कि मनुष्यों में हो सकता है अच्छा अच्छा मनुष्यों में हांगकॉन्ग में सब जगह प्रमाण है मनुष्यों में हुआ भी है अब एक बहुत गंभीर समस्या है जितने भी बर्ड फ्लू से प्रभावित मुर्गियाँ थीं या अंडे थे सबको नष्ट कर दिया गया अब ये जानना भी जरूरी है क्या बर्ड फ्लू से प्रभावित मुर्गियों को चिकन को या अंडा का सेवन करना कितना फायदेमंद है या हानिकारक है बर्ड फ्लू एक बार आउटब्रेक हो गया या बीच तो में आपको ये बार आउट होके कि बर्ड फ्लू होने से पहले अंडा हो चुका है या मुर्गियां स्वस्थ थी ये भी थोड़ा समझ के चलिए जैसे एक फॉर्म में ये डिक्लेयर हो गया कि बर्ड फ्लू है हाँ। तो केवल वो फॉर्म ही इन्फेक्टेड जो नहीं है यहाँ ये भी समझना होगा जैसे हुटवार फॉर्म बर्ड फ्लू आउटब्रेक हो गया अच्छा अच्छा तो केवल होटवार फार्म तक ही वो संक्रमण इन्फेक्टेड जोन जैसे बोलते हैं ना खतरे वाला जो क्षेत्र है हाँ। केवल होटवार फार्म ही नहीं है एक किलोमीटर का एरिया है तो एक किलोमीटर के एरिया में तो आपको और एहतियात बरतने हैं बेटर होगा कि आप अगर उस क्षेत्र में रह रहे हैं तो आप कुछ दिनों तक सेवन नहीं करें अगर आप सर्वेलेंस जोन में रह रहे हैं दस किलोमीटर बाहर तो उसका अगर विधिवत चिकन को या अंडे को अगर आप सेवेंटी फाइव सेवेंटी डिग्री के ऊपर उबालते हैं अच्छे से पकाते हैं तो खाना बिल्कुल सेफ है अच्छा अच्छा बट इन्फेक्टेड जोन में हमारा ये सुझाव होगा कि अगर आप चाहिए कुछ दिन तक ना ही खाएं तो बेहतर होगा डॉक्टर साहब केंद्र सरकार जी और राज्य सरकार इस तरह के मुर्गियों में बर्ड फ्लू हो जाए तो इस बीमारी की घोषणा एवं इससे निपटने के क्या दिशा निर्देश हैं देखिए राज्य सरकार का जो विंग है वो सैंपल कलेक्शन करके चिन्हित जो हमारे लैब हैं वहाँ भेजा अब अगर वहाँ बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो बर्ड फ्लू वहाँ के जो निदेशक हैं वहाँ के जो कंट्रोलिंग इंचार्ज हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को सीधे रिपोर्ट करेंगे कि इस स्टेट में इस जगह पे इस सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है तो एक वहाँ हाई लेवल कमेटी बैठेगी वो हाई लेवल कमेटी कुछ प्रोटोकॉल कुछ दिशा निर्देश ये सब तय करते हुए मुख्य सचिव रेस्पेक्टिव स्टेट को इन्फॉर्म करेगी मुख्य सचिव सचिव पशुपालन सचिव पशुपालन फिर उसको नोटिफाई करेंगे निदेशक पशु उत्पादन संस्थान जो हमारा है रांची में या फिर जिला पशुपालन अच्छा। उनके नेतृत्व में जो जो प्रोटोकॉल है एक्शन प्लान कैसे करना है कलिंग करना है अगर जैसे यहाँ पे दोनों तो क्या था दोनों सरकारी फॉर्म था अब अगर उसमें कोई प्राइवेट फार्म होता तो प्राइवेट फार्म की अगर आप मुर्गियाँ मार रहे हैं प्राइवेट फार्म का अगर आप अंडे का नष्ट कर रहे हैं तो उसको तो आर्थिक क्षति हो रही है बिल्कुल आर्थिक क्षति ही मुख्य है तो आर्थिक क्षति है तो सरकार कल्याणकारी योजना चलाती है अगर हमको बीमारी को रोकथाम करना है तो साइंटिफिक तरीके से तो हमको उसको नष्ट करना है मुर्गियाँ हो या अंडे हो बट पशुपालक का भी ध्यान देना है तो किसान भाई बहनों आज आपने मुर्गियों में बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी प्राप्त किया हमें उम्मीद है कि आप इसके प्रति सजग रहेंगे सावधान रहेंगे और इसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी भी प्राप्त किया डॉक्टर श्रीनिवास सिंह जी आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के मुर्गी पालकों को किसान भाइयों को मुर्गियों में बर्ड फ्लू के बारे में विस्तार से जानकारी दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जोहार